अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसे इक्वेशन जो डायरेक्ट देखने में तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेंगे, उसे हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में हम उसे रिड्यूस करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि दो इक्वेशन की वेन है जो डायरेक्ट तो हमारे लीनियर नहीं लग रहे। क्या इक्वेशन है? 1/2x + 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 13/6। ये दो इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें कन्वर्ट करना है, मीन्स इसे रिड्यूस करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है, क्योंकि बगैर रिड्यूस किए सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों गिवन इक्वेशन को नोट कर लेंगे। क्या इक्वेशन है? 1/2x + 1/3y = 2 एंड सेकेंड इक्वेशन 1/3x + 1/2y = 13/6। इसके बाद इनको रिड्यूस करना है। तो जब भी ऐसे इक्वेशन है और उनको रिड्यूस करना रहे तो हमें लेट करके रिड्यूस करना पड़ता है, कोई ना कोई क्वांटिटी वेरिएबल को हम लेट करेंगे। यहाँ 1/x से कॉमन है, इसमें भी 1/x है, तो हम 1/x को यू लेट कर लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/y है, यहाँ पे 1/y है, 1/y को हम वी लेट कर लिए। जहाँ हम फर्स्ट को लेट करेंगे उसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, और जहाँ सेकेंड टर्म हम लेट करेंगे वहाँ पे इक्वेशन सेकेंड कर लेंगे। जैसे ही हम इसको लेट कर लिए, अब 1/x की जगह हम यू पुट कर देंगे। यहाँ 1/x है, इसकी जगह हम यू पुट कर दिए, अपॉन टू प्लस है प्लस। 1/y है, इसकी जगह वी पुट कर दिए, 1/y = v है, यहाँ अपॉन 3 है, 3 = 2। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 2 और 3 का LCM 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 यू हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 2 2v / 6 = 2। 6 अपान में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, इधर 3u + 2v = 12 है। तो हम देख रहे कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसे 1/x u और 1/y = v लेट करके ये एक लीनियर इक्वेशन हमारा बन गया। सिमिलरली अब सेकेंड इक्वेशन को हम देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा 1/3x + 1/2y = 13/6 है, तो हम लिखे एंड u/3, मीन्स 1/x की जगह क्या पुट कर देंगे u, तो u/3 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे प्लस। 1/y की जगह v पुट कर देंगे, v हो जाएगा (÷2)/2 = 13/6 है। फिर 3 और 2 का LCM लेंगे, 6 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2u, प्लस है प्लस। 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 2 3 जा 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3v/6। अब हम देख रहे हैं 6 अपान में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली हमारा क्या बचेगा, 2u + 3v = 13। तो ये जो न्यू इक्वेशन हमारा आया u और v के फॉर्म में, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड कर लेंगे, और जो यहाँ पे आया है सेकंड इक्वेशन से जो न्यू इक्वेशन बना उसे इक्वेशन फोर्थ कर लेंगे। तो अब ये दोनों इक्वेशन हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। तो हम देख रहे हैं कि कन्वर्ट करने पर, मीन्स रिड्यूस करने पर ये इजिली हो गया। अब इसे हम इजिली सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन को। तो ये जो हम रिड्यूस करते हैं, ये अलग अलग इक्वेशन को अलग अलग तरीका होता है किसमें कैसे लेट करते हैं, तो हम जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें एक्सपीरियंस होता चला जाएगा कि कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे हम लेट करेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए। तो अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हो गया, तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके यू और वी की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन यू और वी की जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा आंसर तब आएगा जब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गिवन इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को, थर्ड और फोर्थ को जब हम सॉल्व करेंगे तो यू और वी आएगा। तो यू और वी को वैल्यू आने के बाद यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो एक्स आ जाएगा, वी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। अब हम यही करेंगे थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, तो हम लिखे बाई थर्ड मल्टीप्लाई बाई थर्ड माइनस फोर्थ मल्टीप्लाई बाई टू, यानी थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो थर्ड वाले को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9 यू हो जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस। इसको 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, 12 3 = 36। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, एक थर्ड इक्वेशन है जिसको हम मल्टीप्लाई किए 3 से। अब फोर्थ को 2 से करना है, तो 2 2 = 4u प्लस है, यहाँ प्लस हो गया। फिर 2 3 = 6v हो जाएगा = 13 2 = 26, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसके दोनों टर्मों में होगा, दोनों तरफ होगा। अब मल्टीप्लाई हो गया तो अब सब्ट्रैक्ट, अब हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में नीचे की साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ कौन सी साइन है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगी। अब 9u में से 4u माइनस हो गया तो क्या बचेगा, 5u बचेगा हमारा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6v में से 6v सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। = हमारा क्या बचेगा, 36 में से 26 माइनस होगा तो 10 आएगा। दिस इंप्लाइज
यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10/5। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड होगा, जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो u की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि u की वैल्यू है, हमें चाहिए x और y की वैल्यू। तो अब यहीं पे हम बाई फर्स्ट लिख देंगे, बाई फर्स्ट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट से, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे हम लिखे ओनली बाई फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में हम u की वैल्यू पुट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्या है, 1/x इज इक्वल टू u है, और u की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है। और अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स इधर तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, एक आंसर हमारा आ गया। सिमिलरली अब ये जो u की वैल्यू हमारी आई है, इसी u की वैल्यू 2 आई है, इस u की वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हैं, या फोर्थ में पुट करके v की वैल्यू निकाल लेंगे। जब v की वैल्यू आ जाएगी फिर उसे हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेंगे। तो v की वैल्यू हम निकाल लें बाई थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड में हम जो है u की वैल्यू पुट कर रहे हैं। हमारा 3u है, 3u, और u की जगह हमें कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, 2+2v इज इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन थर्ड था, इसमें हम u की वैल्यू पुट कर दिए, 3 2 जो हमारा 6 हो जाएगा, 6+2v इज इक्वल टू 12, 6 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 2v इज इक्वल टू 12-6, डैट इज 2v इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 6 होगा, v इज इक्वल टू 6/2, डैट इज 3, यानी कि v की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन हमारा आंसर नहीं है, एक आंसर तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, v जब आया है इसी v की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड आर ओनली बाई सेकंड। यानी कि अब v की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, 1/y इज इक्वल टू हमारा क्या है, v है, लेकिन v की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो 1/y इज इक्वल टू 3 है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा x और y का आंसर आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो भी इक्वेशन गिवन रहता है उससे हम सबसे पहले रिड्यूस करके हम लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम उसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं।